हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन में हमने ये तो देख लिया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर वन से। चैप्टर वन में हम क्या करने वाले हैं, कोई थर्मोडायनेमिक्स की चीजें नहीं, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें थर्मोडायनेमिक्स को समझने में मदद करेंगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर वन नाम क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए नाम ही बता रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेस बनाने वाले कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। हम अभी ये कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट के मोशन की स्टडी को करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए वो सारे हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर काम आएगी। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हम बात करते हैं, क्या होता है सिस्टम। सिस्टम क्या है बेसिकली, देखिए हम बात करते हैं जिस भी गिवन स्पेस से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है उस चीज को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिस्टम अकेला एक टर्म नहीं है, जब भी सिस्टम आएगा साथ में एक और चीज आएगी, क्या, सराउंडिंग। इसके साथ एक और टर्म आता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। ये तीनों को साथ ही समझना है, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, देखिए सिस्टम को मैंने क्या कहा, जिस भी गिवन स्पेस को हमें स्टडी करना है वो हो गया हमारा सिस्टम। उस स्पेस को छोड़ के बाकी पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सराउंडिंग, बाकी आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब आ गया सराउंडिंग में। ओके, और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो लाइन होती है, जो इनको अलग अलग बताने के लिए जो बाउंड्री बनाई गई, उसी चीज को हम नाम देंगे बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री हर जगह मौजूद है, बस हमें सिस्टम पता करने के लिए यह पता होना चाहिए किस गिवन स्पेस की स्टडी कर रहे हैं या किस गिवन स्पेस को अभी हम ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं। समझ में आया। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें एक एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तो हमें समझ में आ रहा है लेकिन बाद में रिवाइज करने के लिए हमारे पास नोट्स भी होने चाहिए, तो उसके हिसाब से हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री की। ओके, तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम स्पेस में मौजूद एक ऐसा रीजन जो अभी हमारे ऑब्जर्वेशन में है या जिस पे हमें स्टडी फोकस करना है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम क्या लिखते हैं, द रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। ठीक है, ये हो गई इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन। सराउंडिंग क्या हुआ, देखिए सिस्टम से ही सराउंडिंग हमें पता चलेगा, जो भी सिस्टम है उसको छोड़ के बाकी जो भी स्पेस रह गई हमारी, जो भी जगह रह गई हमारे यूनिवर्स में, वो सारी चीज क्या होती है, हमारी सराउंडिंग। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल to the system in the universe ठीक है is known as surrounding। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये मेरा स्पेस है जिसपे हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, हमने नाम तो सुनी लिए, हमारे आगे एंथैल्पी आएगी, एंट्रोपी आएगी, इस तरह की कोई भी चीज इस जगह की मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, अभी ये एरिया, ये जो स्क्वायर है, यही मेरा स्टडी है, स्टडी करने के लिए फोकस इसी पे करना है, यही मेरा ऑब्जर्वेशन वाली स्पेस है, तो मैं क्या कहूंगा, ये वाली चीज हो गई हमारी क्या, सिस्टम। ठीक है, और इसको छोड़ के सराउंडिंग में जितनी भी चीज है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के एक्सटर्नल जितनी भी चीजें हैं, अब हम जितनी भी चीजें मतलब क्या,
ये वाला स्पेस यस, ये पूरी जगह, ये पूरा सिटी, ये पूरा स्टेट, पूरा कंट्री, पूरा प्लैनेट, पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स में सारी जगह, इवन आपका इस स्पेस को छोड़ के आपका रूम तक भी क्या आता है, सराउंडिंग का पार्ट। समझ में आ गया हमें सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, अब इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए जो लाइन है, इसी चीज को हम कहते हैं, क्या है ये लाइन, इस लाइन को ही हम कहते हैं बाउंड्री। समझ में आया। तो बाउंड्री की डेफिनेशन अब हम क्या बोल सकते हैं, लाइन दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। समझ में आ गया हमें, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली लाइन को ही हम कहते हैं बाउंड्री। सबसे बेसिक यही चीज है, क्योंकि पूरे थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी चैप्टर में जिस भी गिवन स्पेस पे हमें जो भी चीज समझनी है, उस स्पेस को हम कहेंगे सिस्टम। उस स्पेस को छोड़ के बाकी जितनी भी आसपास चीजें हुई, वो हुई सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग अलग बताने के लिए जो लाइन होती है, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यह है, जरूरी नहीं हो बाउंड्री हमेशा फिक्स्ड हो। मतलब क्या हुआ, मूवेबल बाउंड्री भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लूं कंबशन चैम्बर नहीं, हम बात करें एक पिस्टन सिलेंडर को, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर है और हमारा पिस्टन यहां पे है, ठीक है। अब मैंने बात किया कि जो भी मेरी गैसेस कंबशन होने के बाद जो एक्सपेंड करेंगी, ठीक है, वो एक्सपेंड करेंगी तो हमारे पिस्टन को नीचे धकेलेंगी, तो वो गैसेस हमारी यहां तक आती जाएंगी, तो हमारा पिस्टन नीचे मूव करेगा तो कुछ यहां पे आ जाएगा। जब मेरा पिस्टन यहां होगा तो मेरी कंबशन गैसेस इस पूरी जगह पे होंगी। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिस्टम लेता हूं कंबशन गैसेस, ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर कंबशन गैसेस फिक्स्ड है, लेकिन जब मेरा पिस्टन यहां था, कंबशन चैम्बर हमारा यहां, तो हमारा सिस्टम केवल इतनी सी जगह, ठीक है। फिर जैसे जैसे मेरा कंबशन गैसेस एक्सपेंड करी, मेरा सिस्टम एक्सपेंड करते जा रहा है, और जैसे जैसे मेरा पिस्टन नीचे आया, कंबशन गैसेस यहां तक आ गई, तो मेरा सिस्टम का स्पेस वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और सराउंडिंग का कम हो रहा है। ऑब्वियसली अगर सिस्टम का बढ़ेगा, सराउंडिंग का कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे बाउंड्री क्या थी, इनिशियल बाउंड्री वॉज ये। फिर थोड़ी देर बाद एक्सटेंड होती जाएगी, है तो इस गिवन इंस्टेंस पे हमारी बाउंड्री हो जाएगी इतनी एरिया, क्योंकि जब पिस्टन तो यहां आ गया, यहां पे कुछ है ही नहीं, तो हमारा क्या हुआ, बाउंड्री, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये हमारी बाउंड्री हो रही है। समझ में आया। तो बाउंड्री जरूरी नहीं हो फिक्स्ड हो, बाउंड्री भी मूवेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट किसका एग्जाम्पल हुआ, मूवेबल बाउंड्री का। सोच में आया। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक गैस है जो हाई प्रेशर पे एक बलून के अंदर है, ठीक है, तो वो बलून में हम क्या बात करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री कहां है। देखो, बलून के अंदर जो गैस है, हमें उसकी कोई भी चीज स्टडी करनी हुई, ठीक है, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कोई भी चीज हुई, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, वो बलून के अंदर की गैस, कंप्लीट गैस इज द सिस्टम। बलून की जो ये लेयर होगी, जो ये रबर की जो लेयर होती है बलून की, ये होगी हमारी बाउंड्री, और बलून के बाहर जितना भी पूरा ब्रह्मांड की जगह हुई, वो सारा हो गया हमारा सराउंडिंग। समझ में आया। तो हम एग्जांपल्स में और क्या लिख सकते हैं, जैसे बलून, ठीक है, ये भी एक तरह की मूवेबल बाउंड्री हुई। क्यों, क्योंकि देखिए, बलून को तो आप पिचका सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बाउंड्री मूव हो रही है। ये भी हमारा किसका एग्जांपल हुआ, मूवेबल बाउंड्री का।
ठीक है, और बाउंड्री को स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमें कंफर्म हो गया बलून के केस से कि जरूरी नहीं कि बाउंड्री एक स्ट्रेट लाइन ही हो, एक ऐसा कर्व भी हो सकता है बलून का, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा बलून है, ठीक है, तो ये देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो एक कर्व सा बन गया, तो ये हमारी बाउंड्री हो गई, ये हमारा सिस्टम, और इसको छोड़ के जितनी भी स्पेस बची है हमारे पूरे यूनिवर्स में वो सारा सराउंडिंग, ये ब्लू लाइन हमारा बाउंड्री, ये जो बलून की लेयर है ये बाउंड्री हुई हमारी, समझ में आया? ठीक है, तो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, ये थ्रू आउट द चैप्टर एक्चुअली क्या होगा, कोई भी चीज को जब हम स्टडी कर रहे हैं, कि मान लीजिए किसी स्टोन को आप कहीं फेंक रहे हैं, उसके एनर्जी में चेंज बताना है, तो वो स्टोन आपका सिस्टम हो गया, उसको छोड़ के सारी चीजें बाउंड्री हो गई, एक बलून के अंदर गैसेस वाली चीजें बतानी है, एक टायर के अंदर आपका प्रेशर वगैरह बता रखा है, तो ये सारा अंदर की जो गैसेज हो गई ये सारा हमारा सिस्टम, उसको छोड़ के सब चीज सराउंडिंग, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रहा है वही चीज हुई हमारी क्या, बाउंड्री, समझ में आया? तो चलिए पहले ये लिख लीजिए, आपको जो डायग्राम्स बनाने वो सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है, चलिए लिख लीजिए पहले, ओके फ्रेंड्स, आपने ये लिख लिया, तो चलिए अब हम थोड़े एक और चीज की तरफ चलते हैं, बाउंड्री तो हमारा डिस्टिंक्शन है, सराउंडिंग रिमेनिंग स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सिस्टम, क्यों, क्योंकि सिस्टम का मतलब ही क्या है, जिस पे हमें फोकस करना हुआ, ठीक है, हमारी पूरी स्टडी जिस गिवन स्पेस पे फोकस है उसे हम कहते हैं सिस्टम, हाय है ना, तो हम क्या बात करते हैं सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं कि सिस्टम एग्जैक्टली कितने टाइप्स के होते हैं, सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो आइए हम सिस्टम के एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, ठीक है, सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम कितने प्रकार के हुए, हम बात करते हैं पहला हम लेते हैं क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे ओपन सिस्टम, और तीसरी चीज हम लेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्लोज्ड सिस्टम क्या चीज है, ओपन सिस्टम क्या चीज है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज है, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स भी समझ लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, देखिए क्लोज सिस्टम क्या हुआ, नाम से हम क्या गेस कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम जो क्लोज हुआ, चलिए कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन सही है, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा, समझ में आया, ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हम ऐसे बोल देते हैं, मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर और यहां पे हम लिख देंगे इनके एग्जांपल्स, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर हो रहा है नहीं, ठीक है, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर, अब हम बोलेंगे मास ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह, ये एक और दूसरी जगह क्या हुआ, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में मास ट्रांसफर हो सकता तो हम राइट लगाते, ठीक है, क्लोज सिस्टम में सिस्टम से सराउंडिंग में मतलब बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता मास, समझ में आया, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, यस, ठीक है, मतलब मास यही रहेगा लेकिन अपनी एनर्जी सिस्टम से बाहर सराउंडिंग को दे सकता है और सराउंडिंग से ले सकता है, ठीक है, एग्जांपल हम क्या बोले, जैसे कि आईसी इंजन सिलेंडर, जो अभी हमने एग्जांपल लिए, ठीक है, हम क्या बात करेंगे आईसी इंजन में क्या होता है, क्या हमारा मास ट्रांसफर कर रहा है,
हम बात करेंगे आउटलेट वॉल्व वो एग्जॉस्ट, हम मान ले कि अगर इसमें वॉल्व नहीं लगे होते, ठीक है, वॉल्व क्लोज होते, ठीक है, विथ क्लोज्ड वॉल्व, ताकि कोई बच्चे ये ना बोले कि सर वॉल्व से तो इनलेट में फ्यूल आ रहा है और एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जा रहा है। हमने माना कि अभी अगर दोनों फ्यूल, दोनों वॉल्व क्लोज है, ठीक है, तब जो हमारा फ्यूल आया वो हमारे सिस्टम के अंदर ही रहा, ऑल द बाउंड्री एक्सपेंड कर रही है लेकिन है तो सिस्टम के अंदर ही, तो मास सिस्टम के बाहर नहीं गया ना ही मास सिस्टम के अंदर आया, अगर हमने बात किया सारे वॉल्व क्लोज हुए तो। वहीं अगर मैं बात करूं एनर्जी ट्रांसफर होता है, यस, हम बात करते हैं इसकी जो कंबशन हुआ उसकी वजह से ये हीट होने लगता है, हाँ ना, और ये हीट हमारे एयर में डिसिपेट होने लगती है, तो हम बात करेंगे हीट भी एक एनर्जी हुई, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी हमारा ट्रांसफर हो रही है, हाँ ना, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चले ओपन सिस्टम में, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बलून, ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं बलून में, ये है हमारा बलून, ठीक है, हमारा मास कहां है, सिस्टम के अंदर, क्या ये सिस्टम से बाहर जा रहा है, अब ये मत बोल दीजिएगा कि अगर आप बलून फोड़ दें तो, वो तो आप अपनी बाउंड्री को हटा रहे हैं, ठीक है, गिवन हमारे इस जगह में हमने एक बलून लिया उसको यहां पर टाई करके रखा हुआ है बस टाइटली, ठीक है, और कोई बलून नहीं फोड़ रहा है, अब आप बात करें मास यहां पे फिक्स है, यस मास फिक्स है, और मास हमारा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा एनर्जी, अगर हम बात करें इसके अंदर अगर कोई हॉट गैसेस होती तो वो हॉट गैसेस हमारा एनर्जी डिसिपेट करती, तो बाहर गरम गरम हम एनर्जी को, हमारी हीट क्या है एनर्जी का फॉर्म, वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाती। वहीं उल्टा केस ले लेते कि बहुत ठंडी गैस, बहुत ही ज्यादा ठंडी, तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ठंडी का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग से बहुत कम टेम्परेचर, उसी को ठंडा बोलते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे कि अगर ये बहुत ठंडा है बाहर से, तो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हम बोलेंगे एनर्जी तो आ रही है और जा रही है लेकिन मास नहीं आ रहा, तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये दो एग्जांपल्स हो गए, समझ में आया। एक चीज हम समझ लेते हैं, रिलेटिव टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो ठंडा और गर्म है ये किसी चीज के रेस्पेक्ट बोल जाता है, मैं कहूंगा कि 15 डिग्री टेम्परेचर बहुत ठंडा है, आपको 15 डिग्री ठंडा लग रहा है तो कश्मीर में जब -5 होता है उसके हिसाब से 15 तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाँ ना? समझ में आया। तो हम जो ये बात करते हैं कोल्ड या हॉट, ये विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, ये हुआ मैंने कहा कि जैसे कि अभी मैंने इसी केस में एक वर्ड यूज किया था कि मान लीजिए इसमें बहुत ठंडी गैस है, ठंडी गैस का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या आप -10 डिग्री को ठंडा समझते हैं, अगर मैंने कहा कि आप रशिया के ऐसे पार्ट पे चले जाओ जहां -40 है तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत गर्म हुआ ना -10 भी, तो -10 का मतलब कोई ठंडा या गर्म नहीं हो सकता जब तक आप अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर ना बता दें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस ले अगर हम -10 डिग्री कहीं पे है, अब दो केस लेता हूं, अगर सिस्टम में -10 है और सराउंडिंग में 20 डिग्री तो मैं कहूंगा ये काफी ठंडा हुआ, लेकिन अगर सराउंडिंग में हो गया -40 उसके कंपैरिजन में कहूंगा ये तो काफी गर्म है, समझ में आया, ठीक है। तो ये किसी भी टेम्परेचर को हम बहुत ठंडा या बहुत गर्म तभी बता सकते हैं जब हम उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जानते हो, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि 20 डिग्री तो काफी गर्म है, ठीक है, या हम बोले चलो 35 या 40 डिग्री गर्म है, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर की हवा चल रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर आपको गर्म लग रहा होगा अपने ठंडे एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर आप रेगिस्तान में चले जाए जहां पे 55 डिग्री की टेम्परेचर की हवा चल रही हो उसके कंपेरिजन में 40 डिग्री तो आपको बोलोगे अब तो यही 40 डिग्री काफी ठंडी हवा है, हाँ है ना। तो ये केवल माइंड में बिठा के रखना कि हम जब भी ये बहुत ठंडा या बहुत गर्म ये सेंटेंस या वर्ड यूज करते हैं ये सारी चीजें रिलेटिव होती हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। हम डिफॉल्टली अगर बोले तो डिफॉल्टली हम जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफॉल्ट होता है उसको मानते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे कि टेम्परेचर के अलावा, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में तो केवल टेम्परेचर की बातें करने वाले हम, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा बाहर जनरली हम बोले कि यार ये आदमी 6 फीट 3 इंच का है, ये बहुत लंबा है, ठीक है, तो ये जो बहुत लंबा है जो वर्ड हुआ ये रिलेटिव है, लंबा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर आप खली की हाइट से कंपेयर करोगे जो 7.5 फीट का है उसके कंपेरिजन में ये 6 फीट 3 इंच तो बहुत छोटा हो गया, हाँ है ना।
तो ये जो आप जनरली जो बोलते हैं अपन सेंटेंस में कि ये 6 फीट 3 इंच मतलब उसकी हाइट बहुत लंबी है, ये अपन एक डिफॉल्ट एवरेज हाइट मान में लेके लिखते हैं कि ये हमारे बराबर ये जो दिख रहे हैं ना ये सारे लोग इतने इतने से ये एवरेज हाइट है, तो उसके कंपेरिजन में ये 6 फीट एवरेज हाइट से लंबा है। तो आपको यहाँ रेफरेंस किया हुआ एवरेज हाइट। अगर आप बोलें कि ये 4 फीट का बहुत छोटा है, अरे किसके रेस्पेक्ट में छोटा है, 2 फीट के रेस्पेक्ट में तो ये 4 फीट भी बहुत लंबा हुआ है ना। तो हम क्या बात करेंगे, ये 4 फीट भी हमारा बहुत लंबा है या बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्ट, एक हमें एक रेफरेंस वैल्यू रेफरेंस हाइट मन में माननी पड़ेगी। अगर हम डिफॉल्टली बोलते हैं कि 4 फीट मतलब या फिर बहुत 4 फीट के लड़के को हम कहें उसकी हाइट बहुत छोटी है, तो इसका मतलब हमने जो रेफरेंस वैल्यू मन में मान रखी है वो 4 से तो ज्यादा ही होगी, 5 साढ़े 5 हमने कुछ मान रखा होगा कि एवरेज हाइट होगी 5.5 फीट। तो उसके कंपैरिजन में विद रेस्पेक्ट टू 5.5 फीट हम कहेंगे उसके कंपैरिजन में 4 फीट छोटा हुआ और ये 6 फीट 3 इंच बड़ा हुआ। सबका एवरेज वैल्यू अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हम बात करें खली का जो 7 फीट से भी ज्यादा हुआ, तो द ग्रेट खली उसकी हाइट के रेस्पेक्ट में तो हम बोलेंगे हम सभी छोटे हैं, लगभग सारे ही 99% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही छोटी हो गई है ना। और वहीं अगर आप किसी कोई छोटे छोटे बच्चों के रेस्पेक्ट में बात करें जो 2-2 फीट के हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में तो सारी हाइट ही बड़ी हो गई, सभी लोग बोलेंगे कि सारे ही लोग लंबे, कोई छोटा है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बोला ये फलाना टेम्परेचर छोटा फलाना टेम्परेचर बड़ा, ये भी रिलेटिव है, हाइट उसकी छोटी है उसकी बड़ी है, ये हाइट भी हमारी क्या है रिलेटिव है। समझ में आया फ्रेंड्स, तो क्लोज सिस्टम हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मास ट्रांसफर हो रहा है यस, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यस। एग्जांपल क्या लेंगे, ओपन सिस्टम जहां पे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रखा हो, केवल एक गिवन स्पेस की जो बाउंड्री हमने मन में अज्यूम कर रखी है ये हाइपोथेटिकल बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर जो मास आ रहा है जा रहा है एनर्जी आ रही जा रही है उसी को स्टडी करना है। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि हम बात करेंगे कंप्रेसर या टर्बाइन। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक टर्बाइन लगा रखा है हमने, ये हमारा क्या हुआ टर्बाइन, ठीक है। अब इस टर्बाइन में क्या हो रहा है, हमारी एक हाई प्रेशर स्टीम या गैस, ठीक है, या जो भी चीज या पानी आ रहा है, अगर डैम में ये टर्बाइन लगा हुआ है तो वो जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड आया टर्बाइन को घुमाया, मतलब उसने क्या किया अपनी एनर्जी टर्बाइन को दे दी, ठीक है, और टर्बाइन से रनर रनर से शाफ्ट घूमी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, पानी की पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फुल स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और वो टर्बाइन को घुमाया और निकल गया, अंदर ही थोड़ा ना बैठे रहता है पानी, ऐसा थोड़ा ना होता कि आया और टर्बाइन के अंदर ही बैठ के घुमा ही रहा है उसको, पानी आया उसने एनर्जी दी और चला गया, तो मतलब मास भी आ रहा है जा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, एनर्जी भी पानी की एनर्जी टर्बाइन में चली गई, टर्बाइन ने रनर रनर से शाफ्ट में, ठीक है, तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है मास भी ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों जब ट्रांसफर होते हैं उसी को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल सेम फंडा कंप्रेसर में होता है, बस टर्बाइन में यह फर्क है, टर्बाइन में हम एक हाई एनर्जी वाले फ्लूइड से टर्बाइन घुमा के पावर जनरेट करते हैं, कंप्रेसर में बिल्कुल रिवर्स है, यहां हम पावर दे के किसी लो एनर्जी के फ्लूइड को हाई एनर्जी पे लेके जाते हैं। समझ में आया। थर्ड बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नाइदर मास ट्रांसफर हो नाइदर एनर्जी ट्रांसफर हो, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग धलग सा, नाम से हमको समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या हुए, वेल इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, और हम क्या कहते हैं, एक जैसे कि हम बात करें यूनिवर्स, हमने कहा जो टोटल ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड मतलब हमारा कोई सोलर सिस्टम नहीं, सोलर सिस्टम के बाहर की गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाहर का जो कंप्लीट और जो स्पेस हुआ जहां पे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और भी हैं, वो सारी स्पेस मिला के यूनिवर्स बना, उस यूनिवर्स का नेट एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, यूनिवर्स में मास कोई एड नहीं हो रहा, मास यूनिवर्स से बाहर नहीं जा रहा है, मास ट्रांसफर नहीं,
एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी है, कोई एनर्जी ऐड नहीं हो रही, उसकी कोई एनर्जी कहीं से डिसिपेट नहीं हो रही कहीं और, ठीक है। तो ये चीज हुआ हमारा यूनिवर्स। वेल इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क, अब एक्चुअल में तो 100% एकदम आइडियली कोई थर्मोस फ्लास्क परफेक्टली इंसुलेटेड होता नहीं है, लेकिन अगर हम मान ले कोई एकदम परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क होता, थर्मोस फ्लास्क क्या, जब हम बात करें जिसमें आप कॉफी डाल के रखते हैं ना, जो 2 घंटे तक गर्म रही, लेकिन वो 2 घंटे तक ही रहती है। अगर हम बात करते हैं अगर वो आइडियली परफेक्टली इंसुलेटेड होता, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होता जैसे कि हम आइसोलेटेड सिस्टम में चाह रहे थे, तो अभी कॉफी रखने के 10 दिन बाद भी वो गर्म रहती कि उसकी एनर्जी कभी डिसिपेट ही नहीं होती। ये जो थर्मोस फ्लास्क का जो मटेरियल है वो क्या करता है, एनर्जी डिसिपेशन की रेट बहुत स्लो कर देता है, जीरो नहीं करता, ठीक है। इसलिए मानते हैं एक आइडियल इंसुलेटेड फ्लास्क होगा, आइसोलेटेड केस, आइडियल मतलब एकदम इमेजिनरी जो परफेक्टली इंसुलेटेड है, ठीक है, वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। और यूनिवर्स भी है आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं हम यूनिवर्स से लेके, यूनिवर्स को हम हमारे थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अभी हम कोई एस्ट्रोफिजिक्स या ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक अभी बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में यूनिवर्स क्या हुआ। थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में हमने अभी 3 चीजें पढ़ी, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो यूनिवर्स हमारा क्या हुआ, हम बात करेंगे सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ले लिया प्लस उसके आसपास की टोटल स्पेस, जितनी भी हमारी स्पेस बची उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। यस, सिस्टम प्लस उसके आसपास की सारी सराउंडिंग, अब बाउंड्री चाहे मूवेबल हो, नॉन मूवेबल हो, कैसा भी केस हो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा हमारा, यूनिवर्स। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्स एज अ इस पूरे को अगर सिस्टम माने, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो भी मास है वो अंदर के अंदर ही है, हाँ है ना, और जो भी एनर्जी वो भी अंदर के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्स एज अ सिस्टम मानते हो तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का केस है। समझ में आया फ्रेंड्स, तो कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी है लेकिन एकदम बेसिक्स है। यहां पे एकदम अच्छे से क्लैरिटी बना के चलिए क्योंकि थ्रू आउट दी चैप्टर पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में है, इवन थ्रू आउट दी सब्जेक्ट हम इन्हीं चीजों के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। जब भी हमें कोई गिवन क्वेश्चन देंगे हम बात करेंगे इसमें हमारा सिस्टम ये हुआ, बाउंड्री ये हुई, ये चीजें पूछी गई है इस तरीके से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री को लेकर, ठीक है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग का कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन बना यही चीज होती है हमारी क्या, यूनिवर्स। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, आपके लाइक से हमारे मोटिवेशन है, आप जितने ज्यादा लाइक्स करते हैं उतना हमको मोटिवेशन मिलता है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करने ना भूलिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।